क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन स्टेट बॉस पॉस्टुलेट टू डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम स्टेबल ऑर्बिट वाला आप बताना है द इलेक्ट्रॉन्स आर इवॉल्विंग इन ओनली ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर momentum is integer multiple of mm. multiple of h upon 2 pi in this orbit in these orbits mm. electrons is most stable mm. and does not radiate any energy and does not mm. lose और रेडिएट एनी एनर्जी एनहेंस कंटिन्यूज टू रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट कंटिन्यूस टू रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट अब इसमें डी ब्रोग सॉरी ने से इतना बोला था ये मैंने एक्सप्लेन किया यहां से इन इंदीज ऑर्बिट्स मतलब उनकी इस एक्सप्रेशन का मतलब यही निकलता है कि उस ऑर्बिट में एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले में कितनी होती है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये स्टेबल ऑर्बिट है पहला वाला इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एनी वेज अब हमें इसी चीज़ को साबित करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ की पॉस्टुलेट की मदद से हाउ डज दी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्बिट्स तो इसी का पार्ट है कि डी ब्रोगली हाइपोथीसिस तो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल की वेवलेंथ जो होती है एच बाई पी होती है एच बाय वी पार्टिकल ओके ये डी ब्रोगली हाइपोथीसिस थी अब इसको करके हमें सॉल्व करना है तो वी कैन राइट एम वी इजिक्वल्स टू एच बाय लेमडा

तो एन तो ऊपर चला जाएगा भाई नीचे बचेगा टू पाई आर एन ओके सो so, एक आर यहाँ भेज दीजिए एम वी के पास क्या मिलेगा एन एच अपॉन टू पाई और ये हो जाएगा हमको पता है एलेवंथ क्लास से एक एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम ये हमने साबित कर दिया डी ब्रोगली हाइपोथीसिस की मदद से ठीक है अब अगला पार्ट देखते हैं हाइड्रोजन आइटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट फोटोन विच एक्साइड्स इट टू एन इक्वल टू फोर एस्टिमेट दर्जी ऑफ फोटोन तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया एन इक्वल टू फोर पे चला गया है बी पार्ट पार्टी ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी होती है इसको ई वन भी लिखते हैं माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स और फोर्थ पे कितनी होती थी माइनस पॉइंट एट फाइव ये याद होना चाहिए वन थर्टीन पॉइंट सिक्स पहला फिर माइनस थ्री पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट एट एट फाइव फिर माइनस का पॉइंट एट फाइव वन पॉइंट सॉरी वन पॉइंट फाइव वन और माइनस का पॉइंट एट फाइव तो एन वन एन टू एन थ्री एन फोर याद रहेगा तो टाइम बचेगा सो डेल्टा ई कितना हो गया नीचे से ऊपर गया है ना तो हमेशा आप एनर्जी दे रहे हैं तो नीचे से ऊपर जा रहा है सो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे माइनस का पॉइंट एट फाइव माइनस माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जब खुद आ जाए नीचे जब नीचे आएगा तो भी फाइनल माइनस तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करें ध्यान रखिएगा इस बात का क्योंकि ऐसा हम कर रहे हैं एक्सटर्नल जब करता है तो फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है तो एन इक्ल टू जीरो वन से एन इक्वल टू फोर हम भेज रहे हैं जब भी एक्सटर्नल बंदा कुछ करेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है एनी वेज थर्टीन पॉइंट सिक्स माइनस पॉइंट एट फाइव कितना बज रहा है ये ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव टू डेल्टा ई को लिख सकते हैं एच न्यू फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव ई वी डिवाइड बाई एच ये पहले बता चुके हैं क्या लिखोगे इसको नीचे फोर पॉइंट वन फोर टेन की पावर माइनस फिफ्टीन तो ये अप्रॉक्सीमेटली थ्री आ जाएगा टेन पावर प्लस फिफ्टीन हर्ट्स दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन